मौधा हमीरपुर ब्रह्मानंद बांध के कमरिया माइनर के ओवरफ्लो पानी से कमरिया क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक किसानों की 100 बीघे से अधिक की फसल जलमग्न हो गई। फसलों के पानी में डूब जाने से किसानों ने आक्रोश जताते हुए सिंचाई विभाग से इसका मुआवजा मांगा है। किसानों का कहना है कि इस माइनर में क्षमता से अधिक पानी छोड़ने की वजह से उनकी कई फसलें बर्बाद हो चुकी है। मौधा बांध के नाम से जाने जाने वाला ब्रह्मानंद बांध बुंदेलखंड में फसलों की सिंचाई का बड़ा बांध है, जिसे निकली नहर द्वारा राठ हमीरपुर मौधा क्षेत्र की खेतिहर जमीन को सिंचित किया जाता है। कमरिया के माइनर से इसी गांव के नाम पर माइनर नंबर एक गांव के मौजे से निकलकर रोहारी से मौधा तहसील के टेले से हजारों बीघा जमीन की सिंचाई की जाती है। वहां पड़े पाइप विभाग ने अपने पड़ताल के हिसाब से डाले थे, लेकिन गांव के एक दर्जन किसानों ने विभागीय अधिकारियों से आवेदन कर मांग की थी कि मुख्य नहर में डाले गए पाइप कम है, जबकि इसमें पानी अधिक है, ये पाइप नीचे करते हैं। इतना पानी बहने लगा कि बड़ी संख्या में बोई गई जमीन पर पानी भर गया। इस संबंध में कृषक मोहम्मद नसीम ने बताया कि अभी तक ये माइनर आराम से चलती रही है, लेकिन विभागीय लापरवाही से उनकी फसलों पर और खेतों में पानी भर गया, जिसका मुआवजा वो विभाग से लेंगे। कृषक मुकीम ने बताया कि वो और यहाँ के अन्य किसान जो बटाई और बलकट में खेत के लिए हैं, लगभग एक दर्जन किसानों की 100 बीघे से अधिक जमीन पानी में डूब गई है। इस संबंध में सिंचाई विभाग के अवर अभियंता जगदीश ने बताया कि गांव निवासी अखलाक, योगेश इसराइल, लईक आदि ने विभागीय अधिकारियों से मांग की थी कि मुख्य नहर का पाइप नीचे किया जाए, जिससे उनकी माइनर में भरपूर पानी आ सके। और अभियंता ने कहा कि उसे समय कह दिया गया था कि यदि फसलों और खेतों की पानी भरने से बर्बादी होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी इन्हें किसानों ने ली थी, जिसे आप जिनके खेतों को क्षति हुई है उन्हें उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसानों का कहना है कि मामला सिंचाई विभाग का है और उन्हें इस पर जो भी संभव कार्रवाई करते हैं क्षति का मुआवजा देना होगा। हम गए खेत भर रहे थे, हाँ, दो चार दस लोग गए, हाँ, फरुआ और सब सामान तसला सब लेके मिट्टी चढ़ाते रहे, बोए बोया खेत पूरा कम से कम 50 बीघा हमारा, मतलब सब लोगों का मिला के, और पानी में सड़ गया। इतनी महंगाई बोवाई बखराई बीजा, हमारा गरीब आदमी हम, मतलब, और ये कुछ नहीं सुन रहे, मतलब कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। उसके पास जीसीपी पहुंची, हाँ जी, जीसीपी पहुंची, उसने कुछ नाली बनाया, कुछ लोगों ने रोक लगा दिया अभी तक आई, और वो भी रोक पानी वही मतलब भर रहा है अभी खेत, मतलब खेतों में अभी भरा हुआ है हमारे, करीब 8-10 साल से ऐसे ही चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसआरएस न्यूज़।